हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति व जिला परिषद के अंतिम चरण चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने निकाला मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर फ्लैग मार्च। पाली जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के चौथे और अंतिम चरण के मतदान के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देश अनुसार सोजन DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ एवं थाना अधिकारी के निर्देशन पर आज उपखंड मुख्यालय मारवाड़ सहित आउवा, सिरियारी, जोजावर, रानावास सहित अनेक स्थलों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। सोजन DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ द्वारा कल 5 दिसंबर को मतदान दिवस पर निर्भय होकर मतदान करने और COVID-19 नियमों की पालना पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क लगाने का आह्वान किया। ये पुलिस का फ्लैग मार्च उपखंड मुख्यालय के अलावा अनेक संवेदनशील क्षेत्रों में होकर निकला। इस फ्लैग मार्च में पुलिस बल के अलावा REC के जवान, महिला बटालियन कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ द्वारा क्षेत्रवासियों को शांतिपूर्वक तरीके से मतदान में भाग लेने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया। कल जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के मतदान का चौथा चरण है। मारवाड़ जो पंचायत समिति है वो पाली जिले में सबसे बड़ी पंचायत समिति है। क्षेत्र में काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है, REC की भी काफ़ी एक टुकड़ी आई हुई है। कल से ही हम मारवाड़ तहसील क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। काफ़ी एरिया हमने कल कवर किया था और आज मुख्य मुख्य बड़े बड़े कस्बे हैं, जैसे मारवाड़ जंक्शन है, इसके बाद में आउवा है, धनला है, सिरियारी, जोजावर और रानावास वगैरह में फ्लैग मार्च करेंगे। जागरूक टीवी के पाली से SPN के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।